तो पुलिस आ गई है, अब इन लोग का फाइन होगा 5,000 का, कुछ फाइन है, बोर्ड्स भी लगे हैं। इधर गया जूता, अब तुम्हारा भी जाएगा, अभी सही समझ में आ जाएगा। फगुनिया, ए फगुनिया, तो हमार जान है रे जान। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, और आज है 30 अक्टूबर संडे। हालत देख रहे होंगे कैसे पूरे ऊँट ओट सूख गए हैं हमारे, और आज सुबह बज रहे हैं 8:41। भाई साहब गजब की ठंड थी रात, हम लोग जिस्पा में रुके हुए हैं, आ गए थे क्या बोलते हैं रात को ही हम लोग जिस्पा के लिए निकले थे, सॉरी बारालाचा अच्छा से निकले थे, वापस आ गए थे रात बिरात। तो अभी होटल के बाहर है, आपको तो पहले मैं होटल दिखाता हूँ, फिर होटल से जो व्यू दिख रहा है वो दिखाऊँगा मैं आपको। होटल, ये होटल है बागा, बागा व्यू करके है, बागा रिवर व्यू होटल, इसका मैं फ़ोन नंबर डिटेल्स डाल दूंगा। अच्छे रूम्स हैं, प्रॉपर क्या बोलते हैं वुडन के रूम्स हैं, मैं आपको रूम्स भी दिखा देता हूँ एक मिनट। अंदर कुछ ऐसे जाएंगे, रिसेप्शन एरिया आएगा, सीढ़ी है, और ये देखिए इधर डाइनिंग एरिया है, ये किचन है, और कुछ इधर रूम है हमारा, ये रूम है ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाला, एक बेड, ये सामान बहुत फैला हुआ है इधर है। ठीक है, आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। सो होटल के बाहर का व्यू ये रहा। है ना खूबसूरत, ये है जिस्पा। भाई साहब ये तो रात में दिखा ही नहीं था, वो देखिए ऊपर कैसे स्नो पीक माउंटेन्स हैं, उधर भी हैं, सही बात है रात में कोई व्यू दिखता ही नहीं। अब ये देखिए गाय, पता है मैं चंडीगढ़ से निकला था, कहीं कोई गाय नहीं दिखी। औ, 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 औ। खतरनाक लग रही है भाई। ओ, 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 ओ। ये लगता है लखनऊ भाषा नहीं समझती है, एक समझ गई। ओ, ओ, ओ। आ गया डॉगी, आ जाओ डॉगी, आ जाओ। ये कुछ व्यू है, चलिए व्यू में थोड़ा आगे जाते हैं, देखते हैं और कैसा है। काफी बाइकर्स लोग भी हैं यहाँ पे, इधर भी है, सनलाइट आ गई है। ये हमारी ट्रेवलर, ठंड तो गजब है यार। देखिए छोटा सा फ्रेंड मिल गया मुझे, होटल बागा रिवर व्यू। ओ भाई साहब ये देखिए जमी हुई है रिवर, अरे यार फ्रोजन रिवर देख सकते हो आप। शिट, ये देखिए देखा पूरी जम रखी है, आप अंदाजा लगा सकते हो क्या गजब की ठंड हो रखी होगी यहाँ पे। मैं कोई पॉइंट ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं रिवर की साइड जा सकूँ, बट मुझे लगता नहीं है इधर कोई है। चलो मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ये देखिए बागा रिवर। चलिए थोड़ा सनलाइट में चलते हैं, गर्माहट लेते हैं, ठंडी कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि यहाँ पे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो, देख रहे हो कैसे जम गई है रिवर। हो, फाइनली धूप दिखी। थोड़ा उतरना मुश्किल पड़ रहा है यहाँ पे,
क्योंकि काफी तार वार लगा के पत्थर बांधे गए हैं टू प्रिवेंट इरोजन। अब मैं इस पर चढ़ रहा हूँ, आई होप गिरूँ ना मैं, क्योंकि मैं शूज़ नहीं पहना हूँ, स्लीपर्स हैं। वाह, फाइनली रिवर के पास। नाइस व्यू। यहाँ की बालू भी बहुत ठंड है, बहुत ठंडी है बालू यार। वेदर यार बहुत ऑसम है, धूप निकल आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है ना ये व्यू। थोड़ा पास से फ्रोजन रिवर, रिवर के एक ट्रिब्यूटरी छोटी सी दिखाते हैं, आगे साइड में है ज्यादा। देखो पूरी जम रखी है यार। भाई तो हेलो गाइस, बस अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं इसी होटल में ही। वैन देखिए स्टार्ट हो चुकी है ट्रेवलर, मतलब इंजन यहाँ ठंडा बहुत जल्दी पड़ जाता है। बाकी मैं धूप ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया धूप निकली हुई है, शक्ल भी देख सकते होंगे आप, और नज़ारा व्यू तो बढ़िया ही है, अच्छा मज़ा आएगा। तो प्लान में थोड़ा चेंज हुआ है, पहले हम लोग जा रहे थे क्या बोलते हैं मनाली, यहाँ से निकल रहे थे। आज प्लान ये था कि मनाली ही स्टे किया जाएगा, थोड़ा घूमें घूमेंगे। तो कुछ प्लान में चेंज किया गया है कि भाई अब मनाली छोड़ के सीधे कसौल निकल लेते हैं, कसौल और मणिकरण, वहीं पे दो नाइट्स हैं, दो नाइट्स स्टे किया जाएगा। तो अभी हम लोग एक व्यू पॉइंट पे रुके हैं, ये देखो इस पे डिटेल, टांडी है, जंक्शन ऑफ ब्लू वाटर्स ऑफ चंद्रा एंड ग्रीन वाटर्स ऑफ भागा बिकम्स चंद्रभागा एंड लेटर चिनाब। आप देख सकते हो लेटर चिनाब में बनती है, वहाँ पे है। क्यों भैया नीचे नहीं जा सकते? नहीं मना हो गया। ये देखिए ये भागा रिवर है, ये भागा रिवर है।
चंद्रा रिवर। सो अभी एक पुलिस ऑफिसर थे, उनसे बात हुई थी तो बता रहे थे यहाँ कई लोग डूब चुके हैं क्योंकि ये कुछ पता चलता है नहीं ग्लेशियर कब खुल जाए, कब एकदम से पानी आ जाए। और अभी देखा था कि उसमें वहाँ पे बीच में उस जगह पे लोग कुछ लोग नहा रहे थे वहाँ पे, इतना ठंडे पानी में सोचिए। और उधर वाली नहर तो नदी तो गहरी लग रही है, वो चंद्रा नदी है, ये भागा नदी है, तो दोनों मिलके उधर चंद्रभागा बन जाती है और ये सीधे जाती है फिर चिनाब में, पाकिस्तान में जैसा बता रहे थे वो। तो यही है अभी इन लोग की पार्टी होने वाली है। नई अपडेट मिली है, ये जो आप यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, ये लोग बहरहाल कुछ लोग चले गए हैं तो पुलिस आ गई है। अब इन लोग का फ़ाइन होगा, 5,000 का कुछ फ़ाइन है, बोर्ड्स भी लगे हैं बट उसके बावजूद लोग गए हैं। चलिए इनकी तो ट्रिप बढ़िया हो गई अब। हाय, सो अभी हम लोग आ गए हैं कसौल के रूट पे। प्लान ये था, मैं जैसे मैंने बताया था जिस वजह से निकलेंगे, प्लान चेंज हो गया, मनाली ना रुक के कसौल में जाएंगे। तो बीच में कुछ हम लोगों ने वीडियो फोटोशूट किया था रिवर साइड रुक के, वो मैं आपको इसमें ऐड कर दूँगा, देखेगा ज़रूर। तो अभी फ़िलहाल पार्वती नदी बह रही है, बाकी ये रूट है वैसा रूट नहीं है उतना अच्छा, लेकिन बीच बीच में थोड़े पैचेस ख़राब है, बाकी सब सही है। अच्छी देखिए बाइकर भाई सब जा रहे हैं, एक ये देखिए व्यू आप पार्वती रिवर का। इस साइड मुझे लगता है स्नोफॉल नहीं होती है, तभी पहाड़ों पर खूब सारे पेड़ वेड़ हैं, क्योंकि जहाँ स्नोफॉल होती है वहाँ पे पेड़ नहीं निकल पाते हैं मोस्टली। अभी हम लोग का होटल डिसाइडेड नहीं है। स्नो की माउंटेन्स, ये पार्वती रिवर, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है भाई साहब, मतलब आप ये देखिए टावर कैसे लगाया गया है वहाँ पे, अल्टीमेट भाई साहब, वो देखिए एक टावर। बूथ हाउस ਦਿਲੋਂ ਬੱਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਗੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਹੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅਭੀ ਹਮ ਲੋਗ ਡਿਨਰ ਕਰ ਇਹ ਕੁਛ ਐਸਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹੈ मोक्ष रिवर साइड करके है, बार भी है और रिवर साइड, मैंने वीडियोस अभी आपको दिखाऊंगा, अब तो ऊपर आ गया हूँ मैं, वीडियोस बना ली थी मैंने वो दिखाएंगे। ये होटल्स भी हैं यहाँ पे, आराम से आप ले सकते हो। फिलहाल हम लोग इस होटल में नहीं रुके हैं, हम लोग का होटल दूसरा है, वहाँ पे जाके मैं आपको होटल का भी दिखा दूँगा अभी। बाकी
अब सब क्लोज्ड हो चुका है, टाइम हो गया है आपका, देखिए 11 बज गए हैं, 11 बजे सब कुछ यहाँ पे क्लोज्ड होता जाता है। ये है लॉन्ज एंड बार, ये आपका हॉस्टलर है जहाँ पे मैं गया था अभी, बट शिवम सिंह ने रिकमेंड किया था यहाँ जाने को, बट जब मैं गया तो पूरा खाली पड़ा था, कोई नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ लाइव म्यूज़िक चल रहा था तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे मोक्ष बार में, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, एंजॉय किया। ये देखिए मोक्ष रिवर साइड, हाँ अच्छा व्यू है यहाँ से, वी एंजॉयड इट।